कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो में राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हाई प्रोफाइल शादी की फोटो सबके सामने आ रही है तो वही दूसरी तरफ लोग यह सोच रहे हैं की राहुल गांधी इतनी बड़ी ग्रैंड शादी छोड़कर एक रेस्टोरेंट में क्यूँ खाना खा रहे हैं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक रेस्तरा में बैठे हुए हैं जहां उन्होंने नीली कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और वह किसी के सामने बैठ बातें कर रहे हैं रेस्तरा में बैठे किसी एक शख्स ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया आरोप यह वीडियो तेजी ऐसी वायरल हो गया मुकेश अम्बानी ने गांधी परिवार को भी शादी का निमंत्रण दिया था लेकिन राहुल या सोनिया गांधी में ऐसी कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हुआ जहाँ एक और अनंत अम्बानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद में कई बड़े बड़े दिग्गज राजनेता शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे पीएम मोदी के शादी समारोह में पहुंचते ही मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें मंच तक ले गए जहाँ पीएम मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें तोहफा भी दिया इसके बाद राधिका और अनंत ने पीएम मोदी के पैर छुए बता दें की पीएम मोदी रेलवे बंदरगाह और सड़क ऐसी जुड़ी कई परियोजना की आधारशिला रखने के चलते मुंबई में ही मौजूद थे इन परियोजनाओं की लागत उन्तीस हजार चार सौ करोड़ रुपए से अधिक की है मुंबई में अंबानी खानदान की शादी में शामिल होने वाले लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि और भी कई राजनेता मौजूद थे शुभ आशीर्वाद समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और अजित पवार भी शामिल हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे आपको बता दें मुकेश अंबानी पर कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने चुनाव के दौरान आरोप लगाए लेकिन बेटे के शादी के मौके पर वो उन्हीं के घर शादी का निमंत्रण लेकर पहुंच गए हालांकि गांधी परिवार इस शादी में नहीं पहुंचा एनसीपी नेता शरद पवार के बुलावे पर राहुल गांधी 14 जुलाई को मुंबई में ही थे लेकिन वह अंबानी परिवार में हो रहे शादी के समारोह में नहीं गए राहुल चाहते तो 12 जुलाई को शादी में शामिल हो सकते थे न्यूज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ गांधी परिवार इस समारोह ऐसी दूरी बनाए हुए था तो वही इंडिया गठबंधन के, के साथ जबरदस्त जोश के साथ शादी समारोह में पहुँचे शादी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुँची उन्होंने कहा की मुकेश अम्बानी और उनकी पत्नी ने पर्सनल लेवल आरोप उनको शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया इसलिए शादी का हिस्सा बनना जरूरी है महाराज में अपनी धाक रखने वाले शरद पवार भी अनंत राधिका की शादी में पहुंचे तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शादी समारोह में पहुंचे पिता लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे अंबानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार के प्राइवेट जेट से मुंबई शादी समारोह में पहुंचे थे इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सह परिवार अनंत राधिका की शादी में मुंबई पहुंचे थे सभी नेताओं के पहुंचने के बाद यह माना जा रहा है कि जैसे यह इंडिया गठबंधन की कोई जरूरी बैठक है शादी में गांधी परिवार का शामिल न होना यह बता रहा है कि उनका अडानी अम्बानी को लेकर स्टैंड बदला नहीं है शादी समारोह में शामिल होने और न होने को लेकर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे लगता है की इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट है कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो में राहुल गांधी एक रेस्तरा में पिज्जा खाते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हाई प्रोफाइल शादी की फोटो सबके सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग यह सोच रहे हैं कि राहुल गांधी इतनी बड़ी ग्रैंड शादी छोड़कर एक रेस्तरा में क्यों खाना खा रहे हैं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है की राहुल गांधी एक रेस्तरा में बैठे हुए है जहाँ उन्होंने नीली कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और वह किसी के सामने बैठ बातें कर रहे हैं रेस्तरा में बैठे किसी एक शख्स ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया आरोप यह वीडियो तेजी ऐसी वायरल हो गया मुकेश अंबानी ने गांधी परिवार को भी शादी का निमंत्रण दिया था लेकिन राहुल या सोनिया गांधी में से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हुआ जहां एक और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद में कई बड़े बड़े दिग्गज राजनेता शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे पीएम मोदी के शादी समारोह में पहुँचते ही मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अम्बानी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें मंच तक ले गए जहाँ पीएम मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें तोहफा भी दिया इसके बाद राधिका और अनंत ने पीएम पीएम मोदी के पैर छुए। बता दें कि पीएम मोदी रेलवे बंदरगाह और सड़क से जुड़ी कई परियोजना की आधारशिला रखने के चलते मुंबई में ही मौजूद थे इन परियोजनाओं की लागत २९,४०० करोड़ रूपए ऐसी अधिक की है मुंबई में अम्बानी खानदान की शादी में शामिल होने वाले लोगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि और भी कई राजनेता मौजूद थे शुभ आशीर्वाद समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और अजित पवार भी शामिल हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे आपको बता दें मुकेश अंबानी पर कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने चुनाव के दौरान आरोप लगाए लेकिन बेटे के शादी के मौके पर वो उन्हीं के घर शादी का निमंत्रण लेकर पहुंच गए हालांकि गांधी परिवार इस शादी में नहीं पहुंचा। एनसीपी नेता शरद पवार के बुलावे पर राहुल गांधी 14 जुलाई को मुंबई में ही थे लेकिन वह अम्बानी परिवार में हो रहे शादी के समारोह में नहीं गए राहुल चाहते तो बारह जुलाई को शादी में शामिल हो सकते थे न्यूज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ गांधी परिवार इस समारोह ऐसी दूरी बनाए हुए था तो वही इंडिया गठबंधन के साथी जबरदस्त जोश के साथ शादी समारोह में पहुंचे शादी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने पर्सनल लेवल पर उनको शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया इसलिए शादी का हिस्सा बनना जरूरी है महाराष्ट्र में अपनी धाक रखने वाले शरद पवार भी अनंत राधिका की शादी में पहुँचे तो वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शादी समारोह में पहुँचे पिता लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुँचे अंबानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार के प्राइवेट जेट से मुंबई शादी समारोह में पहुंचे थे इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सह परिवार अनंत राधिका की शादी में मुंबई पहुंचे थे सभी नेताओं के पहुंचने के बाद यह माना जा रहा है कि जैसे यह इंडिया गठबंधन की कोई जरूरी बैठक है शादी में गांधी परिवार का शामिल न होना यह बता रहा है की उनका अडानी अंबानी को लेकर स्टैंड बदला नहीं है शादी समारोह में शामिल होने और न होने को लेकर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे लगता है की इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ जुट है कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो में राहुल गांधी एक रेस्तरा में पिज्जा खाते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हाई प्रोफाइल शादी की फोटो सबके सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग यह सोच रहे हैं कि राहुल गांधी इतनी बड़ी ग्रैंड शादी छोड़कर एक रेस्तरा में क्यों खाना खा रहे हैं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक रेस्तरा में बैठे हुए हैं जहां उन्होंने नीली कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और वह किसी के सामने बैठ बातें कर रहे हैं रेस्तरा में बैठे किसी एक शख्स ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी ऐसी वायरल हो गया मुकेश अंबानी ने गांधी परिवार को भी शादी का निमंत्रण दिया था लेकिन राहुल या सोनिया गांधी में से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हुआ जहां एक और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद में कई बड़े बड़े दिग्गज राजनेता शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे पीएम मोदी के शादी समारोह में पहुँचते ही मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अम्बानी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें मंच तक ले गए जहाँ पीएम मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें तोहफा भी दिया इसके बाद राधिका और अनंत ने पीएम पीएम मोदी के पैर छुए। बता दें कि पीएम मोदी रेलवे बंदरगाह और सड़क से जुड़ी कई परियोजना की आधारशिला रखने के चलते मुंबई में ही मौजूद थे इन परियोजनाओं की लागत २९,४०० करोड़ रूपए ऐसी अधिक की है मुंबई में अम्बानी खानदान की शादी में शामिल होने वाले लोगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि और भी कई राजनेता मौजूद थे शुभ आशीर्वाद समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और अजित पवार भी शामिल हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे आपको बता दें मुकेश अंबानी पर कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने चुनाव के दौरान आरोप लगाए लेकिन बेटे के शादी के मौके पर वो उन्हीं के घर शादी का निमंत्रण लेकर पहुंच गए हालांकि गांधी परिवार इस शादी में नहीं पहुंचा। एनसीपी नेता शरद पवार के बुलावे पर राहुल गांधी 14 जुलाई को मुंबई में ही थे लेकिन वह अम्बानी परिवार में हो रहे शादी के समारोह में नहीं गए राहुल चाहते तो बारह जुलाई को शादी में शामिल हो सकते थे न्यूज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ गांधी परिवार इस समारोह ऐसी दूरी बनाए हुए था तो वही इंडिया गठबंधन के साथी जबरदस्त जोश के साथ शादी समारोह में पहुंचे शादी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने पर्सनल लेवल पर उनको शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया इसलिए शादी का हिस्सा बनना जरूरी है महाराष्ट्र में अपनी धाक रखने वाले शरद पवार भी अनंत राधिका की शादी में पहुंचे तो वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शादी समारोह में पहुंचे पिता लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे अंबानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार के प्राइवेट जेट से मुंबई शादी समारोह में पहुंचे थे इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सह परिवार अनंत राधिका की शादी में मुंबई पहुंचे थे सभी नेताओं के पहुंचने के बाद यह माना जा रहा है की जैसे यह इंडिया गठबंधन की कोई जरूरी बैठक है शादी में गांधी परिवार का शामिल न होना यह बता रहा है की उनका अडानी अम्बानी को लेकर स्टैंड बदला नहीं है शादी समारोह में शामिल होने और न होने को लेकर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे लगता है की इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको